आप सबका शुक्रिया। पहले तो आज का दिन है 4 अप्रैल, ये वो दिन है जिसने जमहूरियत को बचाने के लिए अपने आप को तख्तेदार पे ले गया, और आज फिर हम जमहूरियत को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए, अदारों को बचाने के लिए एक मरतबा फिर इसी अदालत में हमने आखिर दरवाज़ा खटखटाया। शुक्र है कि इस अदालत ने सुओ मोटो ले लिया। वो सुओ मोटो इसलिए लिया गया कि वहाँ देखा कि इररेगुलरिटी कुछ हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। हम शुक्रगुजार हैं अदालत आलिया के, तो उन लोगों ने बात को देखा और समझा। हम ये समझते हैं कि एक मरतबा पाकिस्तान को जमहूरियत के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। जमहूरियत आवाम की ताकत की एक निशानदी है, आवाम के फैसले की निशानदी है। हमारी लीडरशिप ने जमहूरियत के लिए अपनी जानें दे दी। कल एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है जिसमें जमहूरियत को मजाक बनाया गया, पार्लियामेंट को मजाक बनाया गया। हम ये समझते हैं कि हमें इकदार के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, अवामी हकूक़ के लिए हमने आवाज़ उठाई थी और आइनी तरीका अख्तियार किया था। आइन के तहत हम आगे बढ़े थे, हमने आइन की वायलेशन नहीं की, हमने कंस्पायरेसी नहीं की, हमने झूठ नहीं बोला। एक फ्रॉड खत लेके उसको बहाना बना के पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत को दिखाने के बजाय भागने पे जोर डाला। जो शख्स अपने आप को ये कहता था कि मैं आखिरी बार तक खेलूँगा और अपना टाइम पूरा करूँगा, वो शख्स बीच में से विकटे उठा के भाग गया। उसने मुकाबला नहीं किया क्योंकि वो मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता कि वो जमहूरियत का चोर है और जमहूरियत की उसने चोरी की है, आइन को कत्ल किया है। अब ये फैसला इस अदालत को करना है कि हम सही कहते हैं, हमारी आर्गुमेंट सही है, ये अदारे जितने भी है आगे या पीछे, ये आइन के मोहताज है। इन सब अदारों को आइन चलाता है, उसके बाद पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के अंदर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जाएं, तो आवाम कहाँ जाएगा? फिर नुकसान भी हो सकता है, फिर लोगों के माइट इज राइट का मसला हो जाता है। तो उसको बचाना है, इन्हीं अदारों का काम है कि आइन को बचाएं। जो सबको बचाता है उसको बचाएं। जो सबको पार्लियामेंट अपने अख्तियारात देती है, जमहूरियत को अख्तियारात देती है, जमहूरियत की तशरीह करती है, उसको बचाएं। ये बात करनी थी मुझे। 4 अप्रैल है, फिर दोहराता हूँ, इस दिन को हमने तख्तेदार को चूमा और जमहूरियत को बचाया।